Keep it moving. कैसे आप ध्यान दीजिए आज बहुत हम मैचली उस पॉइंट पे बात करते हैं जहाँ एक जीवन का मकसद और कैरियर और लाइफ और एक ट्रैवल समझा है इंडिविजुअली हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ नया ओपन होता है उस ओरिजिन को समझने की कोशिश कर रहा कि आप नए इंसान से मिलते हैं फर्स्ट टाइम में वो लोग आपकी तरफ कितने इंप्रेस होते हैं इंप्रेस करने का टाइम क्या होता है कभी भी इंसान से बात करने के लिए इंप्रेस करने की सबसे बड़ी चीज क्वालिटी ये होती है जब आप उससे बात करते हो तो स्टार्टिंग अपनी महाभारत आप बताने की कोशिश ना करें डॉट मीन एक्सप्लेन इंडिविजुअल सेल्फ स्टोरीज एंड नथिंग इज अवॉइड इन हियर दैट इज द पॉइंट इज द रेगुलर अटैक इन हियर कहने का मतलब जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो व्हाट यू नीड फॉर इन एवरी पीपल राइट नाउ अगेन मीन सेइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल इन सम पॉइंट्स जब आप किसी से मिलते हो व्हाट यू नीड किसी से भी जब आप मिलते हो तो मिलने का सबसे मेन मकसद ये होता है कि अपना डाटा अपना बायोग्राफी अपना एक्सप्लेनेशन किसी भी टाइप से एक्सप्लेन ना करें जब उससे बात करते हो मान लीजिए रिपीट का करेक्टर मान लीजिए किसी इंसान से आप इंप्रेस होना चाहते हो उसको पूछिए आपके पापा कैसे हैं फैमिली क्या है क्या लाइफ का बिजनेस है क्या जीवन का कैरियर है क्या टर्निंग पॉइंट है क्या अर्निंग सोर्स है किस सेक्टर में उसको इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग नहीं बनना है इंटरेस्टेड बनना है इंटरेस्टेड जोन को बात करता है उसी पॉइंट में आप इंटरेस्टेड हो जाए हाँ यार बाकी मेरा इस पॉइंट में जबरदस्त इंटरेस्ट है मान लीजिए आपका एक पॉइंट चल रहा है मान एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा एग्जाम्पल को बहुत सीरियस होना किसी भी इंसान को अपनी तरफ से आप इम्प्रेस करते हो तो मेन पॉइंट है जैसे ही आप स्टार्टिंग में बात करते हो बात करने का जो कोड है आपका वो क्या है सबसे पहले से बात कीजिए व्हाट्स योर गुड नेम राइट नाउ सेइंग इज एन इंडिविजुअल इन फर्स्ट आई मीट फॉर यू That's the important topic. Individually, impress now is the every people. अनजान इंसान से जिसे आप बात करते हो या जानकार इंसान को इंप्रेस करने किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ी पावर्स मैजिक क्या है मैजिक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है सिर्फ एक एक्सपीरियंस एक मैच्योरिटी एक उस पॉइंट के लिए लॉन्गेस्ट अर्न दोस्तों इन माय ऑल जेंटलमैन साइंस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले उसके से भाई क्या हाउ आर यू आपका काम क्या है नाम क्या है और क्या प्रोफाइल सबसे बात कीजिए मान लीजिए वो अपने डिटेल्स बताता है तो उसी पॉइंट के अंदर उसके बाद अपनी बातें धीरे धीरे उसके को स्वीट करने की कोशिश कीजिए व्हाट इज मिस्टेक नाउ इज इन पीपल दैट बाय फेस डूइंग इन ईच अदर कंसर्ट नाउ वुड बी इन डीपली अटैकिंग योर वर्ड उन जो वर्ड्स को बोल रहा है उसके अंदर पूरा फोकस करो फोकस करने का टेक्निक क्या होता है किस टाइप से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस चीज को एक मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइफ से एक इंडिविजुअल तरीके से बहुत गहराई से और सीरियसली पॉइंट से समझने की कोशिश करें बट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिविजुअल इन सक्सेस पॉइंट व्हाट इज द फर्स्ट टाइम इट फॉर इन एवरी पीपल लाइफ दिस नॉलेज इन बट अगेन राइट नाउ दैट द इंडिविजुअल कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं अक्सर इस लाइफ के अंदर हम देखते हैं तो सो लोग किसी ने हर चीज को अवॉइड करते इग्नोर करते उसको मकसद क्या But it exactly is important to recognize the answer is good information, individual and success. Sir, कोई भी किसी भी चीज को इग्नोर किया जाता है तो उसका मतलब ये सामने वाले को वो चीज या तो समझ में नहीं आ रही या फिर जो समझा रहे हो उस चीज में वो रुचि नहीं रखता है दो ही चीज क्रिएट होती है या तो वो कहता है कि मुझे इस चीज का माइंड के अंदर समझ में नहीं आ रही तो उसको टेक्निकल ट्रेनिंग क्या हो सकता है टेक्निकल ट्रेनिंग तो देने का ही नहीं तरीका क्या होता है उस चीज के अंदर उसको बार बार प्रैक्टिस करना अभ्यास करना एक वो अभ्यास उसके अंदर एक नया ऑर्गन स्ट्रिक्ट हो और ये चीज उसके बाद जिस दूसरा जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा वो उसको प्रवाह नहीं करता कहते बहुत इस तरह का काम आए और सेकेंड सेकेंड टाइम रिपीटेशन ना हो